हाँ तो दोस्तों, कल हमारी बात कहाँ तक पहुँच गई थी? कल हम पहुँच गए थे, सवाल नंबर लास्ट किया था आपने 32। 32 के बाद में आइए 33 पर। 33 सवाल क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है आपसे कि 117 रुपये को PQR में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया, तो बताइए कौन सा इसमें लाभ मिला? तो गलती हुई, इससे बांटना था इसको। कितने रुपए हैं हमारे पास टोटल? टोटल रुपए हैं 117, और PQR 3 व्यक्ति हैं। पहले था इनका अनुपात 1/2, 1/3, 1/4। तो पहले तो इसको सरल कर लें। ये हम जानते हैं कि जब भिन्नों के अनुपातों को सरल करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, या एलसीएम में सब गुणा करते हैं। तो एलसीएम बताओ क्या रहा है इसका? 12 आ सकता है ना? 12 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। तो 2 का इसमें कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। 3 का 4 बार, और 4 का कितनी बार? 3 बार। और एलसीएम को काट दो, तो हमारे काम का अनुपात रह गया इसमें 6:4:3। 6 और 4 और 3 जोड़ो, 6 और 4 10 और 3, 13 इकाई, 13 इकाई बराबर हो गया 117। तो 13 से काटो, इसको कितनी बार कट रहा है? 9 बार कट रहा है। तो 13 कमान जब 117 है, तो 1 कमान 9 आ गया। और जब 1 कमान 9 आ गया, तो पी का मान निकाल सकते हैं हम। 6 × 9 54। क्यू का मान निकालो, 4 × 9 36। और आर का मान निकालिए, 3 × 9 27। तो इस अनुपात में तो बंटवारा हमारा हो गया, लेकिन गलती क्या हुई इससे? गलती ये हो गई कि वो 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया, यानी ये गलत है। 2:3:4 इनको जोड़िए आप, 4 और 3 7 तो 9 हो गया। जब 9 इकाई बराबर हम करेंगे यहाँ पर 117, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना? 9 से काटो, इसको कितनी बार कट रहा है? 9 एकम 9 9 27, 13 बार कट रहा है ना। अब यहाँ पर यदि आप पी का मान निकालते हो, तो पी के लिए हो जाएगा हमारे पास में 13 × 2 26। क्यू के लिए हो जाएगा 3 × 13 39। और आर के लिए हो जाएगा हमारा 13 × 4, कितना हो गया? 52 हो गया। तो सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि यदि ये गलती हो गई, तो बताइए इस गलती के अंदर कौन फायदे में रहा? तो हम देखते हैं कि पहले ओरिजिनल तरीके से पी को आना चाहिए था 54, लेकिन इसमें पी को आ रहा है 26। तो पी को तो नुकसान हो गया इसमें, लेकिन क्यू को देखो 36 मिल रहे थे पहले, अब मिल रहे हैं उसको 39, तो क्यू फायदे में हो गया। और 27 वाले को भी कितने मिल रहे हैं? 52। ये सबसे तगड़े फायदे में यही है इसमें। अगर वो कहता सबसे बड़े फायदे में कौन सा आया, तो इसमें आर देखो जस्ट डबल के करीब मिल गया इसको, और ये सबसे बड़े नुकसान में है, जस्ट आधा, इसके आधे से भी कम रहेगा इसका। तो मेन चीज़ ये कि इसने पूछा है आपसे कि कौन सा व्यक्ति इसमें फायदे में रहा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए, केवल पी, केवल आर, केवल क्यू और क्यू आर दोनों। तो क्लियर दिख रहा है कि क्यू और आर दोनों ही फायदे में है, कि यदि ऐसे बंटवारा हो जाता है तो क्यू और आर दोनों को फायदा होगा। तो आंसर आएगा इसमें कौन सा? डी। ये सवाल था हमारा 33। ठीक है ना? इसके बाद में आगे बढ़ो। ये कह रहा है कि एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में कॉपर और जिंक 2:3 के अनुपात में हैं, और अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा कितनी है? इसने कहा है आपसे कि इसके अंदर धातुएं मिली हुई हैं, कॉपर और कौन सी है? जिंक। मतलब 200 ग्राम टोटल है ये, इसके अंदर एक तो कॉपर है और एक इसमें जिंक है। ये कह रहा है कि इन दोनों का जो रेशो है वो है 2:3। जब 2:3 रेशो है, तो हम 2:3 में 200 ग्राम को बांट सकते हैं। तो ये चाहता क्या है? ये चाहता यह कि अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा बताओ।
मतलब उल्टा अनुपात चाहता है, सही सबसे पहले तो इसको बांट लेता हूँ मैं। देखो तीन और दो पाँच हो गया ना, अनुपातों का योग पाँच हो गया। पाँच की वैल्यू हमारे पास में 200 है, तो पाँच कई बराबर यदि मैं 200 कहता हूँ तो इसका मतलब यह कि एक का मान कितना आ गया, 40 आ गया। और जब एक का मान 40 आ गया तो कॉपर आ गया हमारे 40 दूनी 80, और जिंक कितना आ गया इसमें, 40 थी 120, 40 दूनी 80 हो गया, 40 थी 120 हो गया, बंटवारा हो गया दोनों का। अब सवाल चाहता है कि ये उल्टा अनुपात बन जाए, यानी ये 2:3 जाए क्या बन जाए, 3:2 बन जाए। तो ऐसा अब आप अपने ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपके लिए, 100 दे रखा है, 120 दे रखा है, 125 दे रखा है, 150 दे रखा है। यदि इसमें 100 जोड़ते हैं हम तो ये 180 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 120 है ही हमारे पास में। अब 180 और 120 का जो रेशो आएगा, यदि मैं 80 में 100 जोड़ता हूँ देखो ऐसे, और हमारे पास में ऑलरेडी वो 120 है ही जिंक, तो ये 180:120 बन रहा है, और ये आपका सीधा क्या आ गया, 3:2 आ गया। किससे आया ये, विकल्प से। अगर विकल्प से मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो 80 हमारे पास में ऑलरेडी था, और ये हमारे पास में ऑलरेडी जिंक है। तो यदि मैंने 100 अगर किलो इसमें 100 ग्राम है, 100 ग्राम यदि इसमें क्या मिला दिया, कॉपर मिला दिया, तो ये 180 बन जाएगा, ये 120 है हमारे पास में, 3:2 बन जाएगा। और यही सवाल चाहता है कि उनका रेशो 3:2 बन जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है इसमें कि अपने ऑप्शन से चेक कर लो, और ये आपका आंसर आ गया। लेकिन यदि ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं आप तो कैसे करेंगे, वो भी देखो। ये तो बांट ही लिया हमने, ये 80 और 120, तो लिखो माना एक्स ग्राम कॉपर मिलाने पर अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ये बन जाएगा 80+X, ये 120 ही रहेगा आपका। कॉपर बटे अगर जिंक कर रहे हो तो बराबर ये भी कॉपर बटे जिंक ही है, 3:2 कर दो इसको। अब देखिए 2 से काट सकता हूँ मैं नीचे नीचे, जब बराबर चिन्ह बीच में होता है तो नीचे नीचे काट सकते हैं ऐसे हम। ये 60 बार कट रहा है, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 80+X बराबर 60 × 3 क्या होता है, 180 होता है। 80 को उधर ले जाओ, 180 माइनस में 80, सो एक्स विल बी 100। ये उत्तर, लेकिन ये मुझवानी वैसे ही हो रहा था आपका अपने ऑप्शन के आधार पर, तो उससे करना चाहिए इसको भी। और ये फिर सबके लिए हो गया, ठीक है ना। ये था हमारा 34, ठीक है ना। 5 की वैल्यू थी हमारे पास में, 5 का मान 200 था, 5 से हमने काटा इसको 40, 40 बार कट गया, 40 दूनी 80 आ गया, 40 थी 120 आ गया। 80 में क्या जोड़ दिया, एक्स, ये एज इट इज, इनका रेशो 3:2 चाहिए इसको। इसके बाद में आइए आगे, 35। 35 में कह रहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ये 60 लीटर है दूध और पानी है, जिसका रेशो दे रखा है आपके लिए कितना, 5:1, ये दे रखा है। फिर ये कह रहा है आपसे कि उसमें कितने लीटर पानी मिलाएं ताकि दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। इसने आप इस सवाल के अंदर क्या मिलाया, पानी मिलाया है। इसमें देखो क्या खासियत है, सवाल तो ये भी ऐसा ही था अभी जो कर रहे थे आप। अब उसमें आपके लिए कॉपर मिलवाया था, इसमें पानी मिलवा रहा है, लेकिन इस सवाल में खासियत दिख रही है हमको कि ये कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात, चलो ये है, इसने कहा कि इसमें कितना पानी मिलाएं ताकि दूध पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। यानी पानी मिलाया है इसके अंदर, और देखो पानी का ही अनुपात बदल रहा है, कितना, 2। दूध नहीं मिलाया, दूध नहीं मिलाया, दूध का अनुपात भी नहीं बदला है इसका,
इसका मतलब कितना अनुपात बदल रहा है? दो बदल रहा है। यदि हमारे पास में दो अनुपात बदल रहा है तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप। कैसे? 5 और 1, छः के बराबर 60, तो 1 बराबर कितना गया इसमें? 10 आ गया। भाई 6 की वैल्यू 60 हो गई, जब 6 का मान 60 हो गया तो 1 का मान 10 आ गया, और जब 1 का मान 10 आ गया तो 2 का मान निकालो। बीस लीटर सीधा उत्तर आ गया इसमें। तो मतलब ये कहने का कि यदि कोई चीज़ मिला रहे हो आप, यदि मिलाने पर उसी का अनुपात बदले तो आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, सीधा उत्तर है। नोट डाल दो इसका। क्योंकि पानी मिलाने पर केवल पानी का ही अनुपात दो इकाई बढ़ा है, इसलिए 2 इकाई का सीधा मान निकालकर सीधा उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। ये नोट डाल लो आप। डाल लिया। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है कि एक बर्तन का 2/3 भाग दूध से भरा हुआ है, ये कह रहा है कोई बर्तन है 36, ये कह रहा है कि बर्तन का 2/3 भाग दूध से भरा हुआ है। 2/3 भाग में क्या है? इसमें दूध है, और फिर ये कह रहा है कि शेष भाग को पानी से भरेंगे इसके को हम ऐसे। उसी धारिता का दूसरा बर्तन है, उसका दूध भरा हुआ है उसके अंदर 3/5 भाग, और वही शेष भाग किससे भरा जाएगा? इसका पानी से। तो सवाल ये कह रहा है आपसे कि उनके शेष भागों को पानी डालकर पूर्ण रूप से भर देते हैं, फिर दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल देते हैं, तो बताइए नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब यह कि जब आपको पता है कि 2/3 हमारे इस बर्तन में दूध भरा हुआ है, तो बताइए कितना खाली पड़ा हुआ है? 1/3। अभी 1/3 कैसे जाएगा डायरेक्ट? आप हमेशा ध्यान रखो, 3 में से 2 हिस्से किसके हैं इसमें? दूध के हैं। नीचे टोटल रहता है, 3 में से 2 हिस्से दूध के हैं, 3 में से 1 हिस्सा बचा, तो 1 हिस्सा किसका आ गया इसमें? पानी का आ गया। अब देखो वही हिसाब, यहाँ पर 5 में से 3 हिस्से फुल हो गए। जब 5 में से 3 हिस्से फुल हो गए तो कितना हिस्सा बचा हुआ है इसमें? 2/5, ठीक है ना? यानी 3/5 भाग दूध होगा तो इसमें 2/5 भाग क्या होगा? पानी होगा। मतलब नीचे जो रहता है वो अनुपातों का योग रहता है, ध्यान रखो। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि ये 3/7 होता, यदि यहाँ 3/7 होता तो यहाँ पर क्या था? 4/7, ठीक है ना? तो नीचे अगर 5 है हमारे पास, 5 में से 3 हिस्से फुल हो गए इसके। जब 5 में से 3 हिस्से फुल हैं तो 5 में से कितना हिस्सा खाली है इसमें? 2 हिस्सा। तो ये भी बर्तन फुल हो गया और ये भी बर्तन फुल हो गया। अभी कह रहा है कि इन दोनों बर्तनों को मिक्स कर दो। मिक्स करते हैं, मिश्रण क्या कहता है? मिश्रण देखो, दूध और पानी, दूध को दूध में मिला दो, ऐसे। क्या एलसी मारा है देखो इसका? 15, तो ये 10 प्लस 9 हो गया, इसका भी 15, 5 प्लस 6 हो गया, 15 से 15 काट दिया, और ये 19 अनुपात कितना गया? 11 गया। 15 से 15 काट सकते हैं हम, क्योंकि नीचे
खनिज कर सकता है, अनुपाती तो निकाल लें हम, जैसे बराबर में कटता है वही सेम कंसेप्ट इसका है, 15 से 15 कट जाएगा और 10.19 अनुपात क्या आ गया, 11 आ गया। इसका मतलब ये जो दोनों का मिश्रण बना उसका रेशो आ गया 19, अगर उसमें दूध होगा तो 11 क्या होगा उसमें पानी होगा। ये सिस्टम है इसका, उतारिए। एक तरीका तो ये इसमें है ही हमारे पास में, और एक तरीका ऐसा होता है कि भाई जैसे मान लो इस बर्तन की क्षमता हम 15 मान लें, इसकी 15 मान लें, फिर उसको मार दें हम तो भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही है इसका। कोई बड़े आंकड़े नहीं है इसमें कि अगर 2/3 दूध तो 1/3 पानी, 3/5 दूध तो 2/5 क्या है इसमें पानी, दोनों को मिक्स कर दो, दूध को दूध मिला दो, पानी को पानी मिला दो और सीधा उत्तर। इसके बाद आगे बढ़ो, सैंतीस में सवाल क्या कह रहा है देखो। 37 में कह रहा है कि एक सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना तांबा, एक सोना पानी से 19 गुना भारी, ये पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, ये 9 गुना भारी हो गया। अभी कह रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि उनका मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए, यानी मिश्रण भी आ गया, ये 15 गुना भारी चाहिए, ये भी पानी से भारी है, ये भी पानी से भारी है और ये भी पानी से भारी है, मतलब तीनों की इकाई सेम हो गई ना। जब ये दो कंडीशन है आपके पास में, ये मिक्स कंडीशन है, तो कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें, मिश्रण का नियम। तो मिश्रण के नियम से सभी की यूनिट सेम, ये भी पानी से भारी, ये भी पानी से भारी, ये भी पानी से भारी, जब सभी पानी से भारी हैं तो आप सीधा इनको रखो और सीधा डिफरेंस लेकर के अनुपात निकालो, यही पूछ रहा है। 19-15 का अंतर 4 और 15-9 का अंतर 6, 6:4 का मतलब 3:2 कितना, 2। यही है मात्राओं का अनुपात। सीधा उत्तर आ गया इसका। अब आइए 38 पर। 38 में क्या कह रहा है, 38 में कह रहा है आपसे कि एक बर्तन में 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनका अनुपात 20 लीटर, फिर ये कह रहा है कि उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल लो, 4 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर 4 लीटर उसमें दूध डाल दो, तो बताइए अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो मतलब ये कहने का, हमारे पास में 20 लीटर मिश्रण है टोटल, इस 20 में से हम 4 लीटर मिश्रण निकालना चाहते हैं, जब 4 लीटर इसमें से मिश्रण निकाल देंगे हम तो हमारे पास में कितना बचेगा मिश्रण, 16 बचेगा। अब समझने की बात ये कि 16 जो बचेगा मिश्रण हमारे पास में, उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 ही रहेगा या बदल जाएगा। जो हमारे पास में 16 मिश्रण बचा, इसमें दूध और पानी का अनुपात हमारा यही रहेगा या चेंज हो जाएगा, ये समझने की बात है भाई। जैसे मान लीजिए आपने 20 लीटर शरबत बनाई, 20 लीटर शरबत में से 4 लीटर शरबत हमने ऑफिस वालों को भेज दिया और 16 लीटर हमारी क्लास में रख लिया हमने, 20 लीटर शरबत थी, 20 लीटर शरबत में से 4 लीटर शरबत को हमने कहाँ भेज दिया, ऑफिस वालों को, और 16 को हम पीएंगे खुद, तो ये बताइए दोनों का स्वाद एक ही रहेगा या अलग आएगा, एक ही रहेगा। मतलब ये कहने का, जब हम मिश्रण निकालते हैं तो रेसो पर फर्क नहीं पड़ता है, बूंद बूंद में वही रेसो है, ठीक है ना। यदि उनको वही स्वाद आएगा तो हमें भी वही स्वाद आएगा, वो कहेंगे बड़ी अच्छी शरबत है, हम भी कहेंगे साहब वही सेम अच्छी शरबत है। तो मेन चीज़ ये है कि जब हम मिश्रण निकालते हैं तो अनुपात की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब एक चीज़ डालते हैं या एक चीज़ निकालते हैं हम, अगर कोई चीज़ इसमें या तो दूध मिला देते हैं या पानी मिला देते तो अनबैलेंस हो जाता है, मिश्रण निकालने से अनबैलेंस नहीं होता है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 8 इकाई बराबर 16 हो गया, फिर जब 8 इकाई बराबर 16 हो गया तो 1:1 क्या हो गया इसमें, 2 हो गया, जब 1:2 हो गया तो दूध बताओ कितना आ गया, 5 × 2 = 10 और पानी कितना आ गया इसमें, 3 × 2 = 6।
ये तो पता लगा ली हमने, 16 के अंदर 10 लीटर इसमें दूध है और कितना पानी है इसमें, 6 लीटर पानी। अब सवाल चाहता है कि इसमें जो 4 लीटर मिश्रण निकाला था आपने, उसके स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दो तो चेंज हो जाएगा सिस्टम। तो लिखो 4 लीटर दूध डालने के बाद दूध अनुपात पानी, 10 में 4 जोड़िए, 6 आपका एजिटेज रहेगा, 14:6 बन गया, 7:3, यही आंसर है इसका। दूध में दूध मिला दिया, 4 लीटर दूध डालेंगे इसमें तो दूध में दूध मिल जाएगा, 10 लीटर दूध हमारे पास पहले से है, 10 में 4 और मिला दिया, 14 हो गया, ये 6 है ही, 7:3 कितना आ गया, 3 आ गया। ये था हमारा सवाल कौन सा, 38। थर्टी नाइन पर जाइए, थर्टी नाइन क्या कह रहा है इसमें, 39 कह रहा है 6,000 रुपये को एबीसी में ऐसे बांटिए कि ए के भाग का तीसरा, बी के भाग का चौथा, सी के भाग का पांचवा हिस्सा आपस में बराबर है, ये कह रहा है। तो ये कह रहा है कि 6,000 रुपये को बांटना है हमें, 6,000 रुपये को बांटने के लिए हमें कैसे बांटना है कि 1/3, B/4 और C/5 ये सारे भाग आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये कि ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकाल सकते हैं, ये हम जानते हैं, जो जिसके नीचे वही उसका अनुपात। तो ये 3:4, ये 4:5, ये कितना अनुपात, 5:5। अब हम जानते हैं 6,000 रुपये को बंटवारा करना है, तो आप 4 और 3, 7 और 5, 12, 1 ही बराबर क्या कह सकते हो, 6,000 कह सकते हो। तो 1 का मान कितना कहेंगे हम, 500 कहेंगे। जब 1 की वैल्यू 500 आ गई तो किसका मान चाहता है सवाल में, सवाल में चाहता है बी का भाग, तो बी का भाग निकालो। बी का भाग हमारे पास में 4:5 है, 4 × 500 कर दो, 2,000 उत्तर। ये लैंग्वेज में आ गए, बस ये सवाल था 39। ठीक है ना, इसके बाद में आइए अगले सवाल पर। अगले सवाल में बोला हमने कि एक व्यक्ति पास में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं, कुछ तो गाय हैं और कुछ क्या हैं, मुर्गियां, जिनके कुल सिरों की संख्या कितनी है, 100, और उनके कुल पैरों की संख्या 250 है। तो बताइए उसके पास कुल कितनी मुर्गियां हैं, ये सवाल है। अब इसने कुल सिर दे दिया आपके लिए 100, तो ये तो हम जानते हैं कि हर प्राणी का सिर तो एक ही होता है। जब सिर एक ही होता है, फिर ये पता लग गया कि उनकी जो कुल संख्या है वो 100 है, सिरों से पता लग रहा है कि उनकी जो टोटलिंग है वो कितनी है, 100। हाँ, पैरों में फर्क होता है, पैरों में फर्क क्या है इसमें भाई, एक तरफ तो इसमें गाय है और एक तरफ मुर्गियां हैं। अब गाय के पैर कितने होते हैं, प्रत्येक गाय के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रत्येक मुर्गी पैर कितने होते हैं, प्रत्येक मुर्गी पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कन्फर्म, हाँ बिल्कुल कन्फर्म ही, 2 ही होते हैं। तो इसमें यहाँ पर यह कह रहा है कि आपसे कुल सिरों की संख्या 100 है, इसका मतलब यह कि यदि इसको मैं मानता हूँ, इसमें इसने पूछी मुर्गी, दो चीज़ें मुर्गी और गाय, अगर मैं मुर्गियों को एक्स मान लेता हूँ सपोज करो, तो जब टोटल वो 100 हैं तो 100 में से क्या घटा दो आप, एक्स घटा दो, गाय बचेंगी, ये तो उनकी संख्या है। और ये हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक के पैर
मुर्गी के दो होते हैं और इसके चार होते हैं, तो कुल पैर निकालो गुणा करके इसका, इसका इसमें गुणा कर दो तो एक्स इंटू दो हो जाएगा, इसको इसमें गुणा कर दो तो ये चार से गुणा हो जाएगा, ये कुल पैर हो गए। अब इन कुल पैरों की संख्या दे रखी है सवाल में 250, तो इन दोनों को जोड़ो गुणा करके, 2x प्लस 100 माइनस 4x, मतलब 100 माइनस x इंटू 4 बराबर कितना है, 250 है। ये तो x के साथ चल रहा है आपका, सॉल्व करो, 2x प्लस 400 माइनस 4x बराबर 250, ये है ना भाई। इसके चार से गुणा क्यों कर रहे हैं, प्रत्येक गाय के चार पैर होते हैं, इसको दो से गुणा क्यों कर रहे हैं, प्रत्येक मुर्गी के दो पैर होते हैं। अब एक्स मुर्गी हैं, दो पैर प्रत्येक के हैं, तो इसको गुणा करेंगे तभी तो कुल पैर आएंगे। इनके कुल पैर ये हैं, इनके कुल पैर ये हैं, और सबके कुल पैर दे रखे हैं आपको मिलाकर 250, तो ये हो गया हमारे पास में माइनस का 2x। इसको उधर ले जाओ, 250 माइनस में 450 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस में 2x बराबर 150, और ये भी माइनस का ही आ रहा है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स बराबर आ गया हमारे पास में कितना, 75। यही उत्तर है इसका। इसका मतलब यह कि हमारे पास में मुर्गियां कितनी थी, 75 थी। हमें कभी सॉल्व नहीं करना चाहिए इसको ऐसे, इसको भी ऑप्शन से कर लेना चाहिए हमको। जब ऑप्शन में आपको ये 75 मुर्गी मिलेंगी, तो यदि ऑप्शन से आप सोचते हैं इसको, तो ऑप्शन से भी मुझे वाली सोच लेते हैं इसको हम, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है आपके लिए, ये दे रखे हैं। अब देखिए 75 यदि मुर्गियाँ हैं यहाँ पर, अब हमें ये पता है कि उनकी कुल सिर्फ 100 है, तो यदि 75 मुर्गी मानूंगा मैं, तो 25 गाय माननी ही पड़ेंगी आपको, क्योंकि 100 तभी बैठेंगे। अगर एक ऑप्शन दे रखा है आपके लिए, दूसरा ऑप्शन मन से हम खुद निकाल सकते हैं, यदि 75 मुर्गियाँ हैं तो आप 25 गाय माननी पड़ेंगी आपको यहाँ पर, 75 25 100 हो गए ना। अब इनके कुल पैर चेक कर लो बस, कुल पैर चेक कैसे करें हम, प्रत्येक मुर्गी के दो पैर होते हैं, तो 75 मुर्गियों पैर कितने हुए, 150 हो गए, और एक गाय के पैर कितने होते हैं, चार होते हैं, तो 25 गाय के पैर कितने हुए, ये 150 हो रहे हैं, ये 100 बैठ रहे हैं भाई। 75 मुर्गियाँ, एक मुर्गी के दो पैर, तो 75 मुर्गी 150 पैर, एक गाय के चार पैर, तो 25 गाय कितने, 100 पैर। अब 150 इनके और 100 इसके, 250 पैर हो गए ना। अब ये पहला ही ऑप्शन आपका नसीब से आंसर आ गया, तो ये अलग बात है, और चेक कर लेते। अगर ये चेक करते 90 के साथ में 10 लेते, फिर हम 90 इंटू 2 करते, 10 इंटू 4 करते, तो जिस अवस्था में आपकी कंडीशन संतुष्ट हो जाती है सवाल की, वही आपका आंसर है, और ये मूझवानी हो जाता है। तो ये सारी रफ कॉपी आपकी बच गई, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रफ कॉपी की थे भाई, रफ कॉपी अलग से मिलती नहीं है हमको, तो रफ कॉपी जब अलग से मिलती नहीं है, एक ही पेज पर कई सवाल होते हैं, उसमें छोटी सी रफ कॉपी जगह होती है, कहाँ से करेंगे उसको आप। तो इन सवालों को जहाँ संभावना है कम करने की, मूझवानी करने की, ऑप्शन से करने की, तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑप्शन से करने की। एक तरीका और भी बताता हूँ मैं आपको इसका, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। चलो इसने बोला आपसे कि भाई 100 पैर हैं, मतलब 100 सिर हैं, सॉरी 100 तो सिर हैं, और 250 क्या है इसके पैर, ये बोला इसने, ठीक है ना। अब इसमें कुछ तो दो पैर वाले हैं, कुछ चार पैर वाले हैं। इसमें मैं मानता हूं कि भाई 100 अगर सिर हैं, ध्यान से समझें इसको, अगर 100 सिर हैं तो प्रत्येक के मैंने दो सिर, मतलब प्रत्येक के मैंने दो पैर ही मान लूं, प्रत्येक कंडीशन के। अगर ये 100 सिर हैं तो ये पता लग रहा है हमें कि 100 टोटल हैं वो। अगर मैं प्रत्येक सिर वाले के दो पैर भी मान लूँ, तो 200 पैर तो गए ना, प्रत्येक के मैंने दो पैर मान लिए, 200 पैर गए। जब 200 पैर गए तो पैर तुम्हारे पास 250 हैं, जब पैर हमारे पास में 250 हैं तो कितने पैर बचे, 50 पैर बचे, 50 पैर बचे। ये 50 पैर क्यों बच रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि दो दो पैर थोड़े थे गायों के, गायों के तो चार चार पैर थे ना, मुर्गियों पैर तो गए इसमें,
गायों के भी दो दो गए, अब 50 जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं हमारे पास में, पैर वो गाय की वजह से बच रहे हैं, क्योंकि दो दो पैर तो काउंट हो चुके गायों के, अब पैर होते हैं चार उसके, तो चार की जगह दो अब हमारे पास बचे हुए हैं। तो यदि 50 पैर जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं आपको उसमें दो से भाग दे दी जाए, क्योंकि प्रत्येक गाय के दो पैर बचे हुए हैं, तो आप 50 को दो से भाग दो, गायों की संख्या जाएगी सीधी। आपने देखा 100 × 2 किया मैंने, 200 हुआ, 250 में से आपने 200 घटाए, तो 50 पैर बचे हमारे पास में। ये 50 पैर गायों की वजह से बच रहे हैं, तो 50 में आप 2 से भाग देंगे, सीधी 25 गाय। और जब 25 गाय आ चुकी हैं तो बची कुची कौन है फिर? मुर्गी है, तो 75 क्या बचेंगी? मुर्गी बचेंगी। तो ये मुझवानी हो जाता है फिर, आंकड़े बड़े नहीं इसलिए हो जाता है, और आंकड़े बड़े आते भी नहीं है इसके अंदर। तो आप तो क्या करो, 100 अगर सिर दे रखें और उसमें दो पैर और चार पैर वाले हैं, तो 2 से गुणा करके आपने टोटल पैर निकाल लिए, फिर एक्स्ट्रा जो पैर बचेंगे वो उनके पैर बचेंगे जिनके ज़्यादा पैर हैं, गाय को ज़्यादा पैर हैं। तो इसमें आपने किससे गुणा किया, इसमें इसमें किससे भाग दिया आपने, 50 में 2 से, 2 से भाग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक गाय के दो दो पैर हमारे पास बचे हुए हैं अभी, तो 25 गाय थी वो, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है वैसे, इसमें कम लोड है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, और इससे पहले में तो रब को भी ज़्यादा भर रही है, उसमें दिमाग कम लगाना पड़ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ईजी सिस्टम है, ऑप्शन मेथड। तो आपके पास तीन तीन तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आपको अपनाना चाहिए, जल्दी होना चाहिए बस। इसके बाद में आइए सवाल नंबर 41 पर। 41 क्या कह रहा है इसमें? 41 कह रहा है कि एक कुत्ता आ गया, अब एक कुत्ता जितने समय में 3 छलांग लगाता है, एक खरगोश उतने ही टाइम के अंदर 4 छलांग लगाता है। एक कुत्ता जितने समय में 3 छलांग लगा रहा है, खरगोश उतने ही टाइम के अंदर 4 लगा गया। भाई खरगोश की छलांग छोटी छोटी होंगी तो 4 बार कूद जाएगा। फिर ये कह रहा है कुत्ते द्वारा 2 छलांगों में तय की दूरी खरगोश द्वारा 3 छलांगों में तय की दूरी के बराबर है। जब कुत्ते ने 2 छलांगों में जितनी दूरी तय की है, खरगोश 3 छलांगों में उतनी दूरी तय कर रहा है, तो पूछ रहा है आपसे, बताओ कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात क्या है? अगर इस सवाल को करना है फटाफट, तो कुत्ते की कंडीशन कुत्ते के नीचे रख दो, खरगोश की खरगोश के नीचे। कैसे रखनी है देखो, कुत्ता और खरगोश, ये दो कंडीशन है हमारे पास। ये कह रहा है कि एक खरगोश जितने समय में, एक कुत्ता जितने समय में 3 छलांग लगा रहा है, मतलब निश्चित समय की छलांग पता है आपको, इसकी 3, इसकी 4, फिर दूरी का कंसेप्ट दे रखा है आपके लिए, इसकी 2 छलांग की दूरी इसकी 3 के बराबर है, और फिर पूछे आपसे चालों का अनुपात है। कुत्ते की छलांग कुत्ते नीचे रख दी आपने, खरगोश खरगोश नीचे रख दी, और यदि आप इसको ऐसे गुणा कर दें सीधा ऊपर की साइड में, न्यू 3 3 या 9, कुत्ते ऊपर गया, 4 2 8, खरगोश ऊपर गया, सीधा उत्तर आ गया। चाल गुणा करना है ऊपर, 3 3 या 9 कुत्ता हो गया, 4 2 8 खरगोश हो गया, सीधा चालों का अनुपात ही है इसका, ये हमेशा बैठेगा इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना है कि समय की, निश्चित समय की छलांग ऊपर होती है, इसमें आती भी इस प्रकार से ही है, सिमेट्री यही आती है इसकी, लेकिन फिर भी ध्यान रखें तो समय की छलांग ऊपर है और निश्चित जो दूरी दे रखी है उसकी वो नीचे है, 3 3 या 9, 4 2 8। और वैसे भी दिख रहा है आपको कि इसमें कुत्ते का शिकार कौन है, इसमें खरगोश है, तो कुत्ते की चाल ज़्यादा करनी पड़ेगी हमको, और खरगोश की चाल कम होगी तभी ये पकड़ में आएगा इसके में, वरना पकड़ में नहीं आएगा, कितना भी कुत्ता भाग ले कितना भी खरगोश भाग ले। तो इसमें 9 चाल कुत्ते की है और 8 चाल किसकी है, खरगोश की है। ये तो रही इसकी फटाफट विधि, लेकिन अगर इसको थोड़ा हजम करें हम, तो हजम कर सकते हैं इसको, आप देखिए हजम करते हैं इसको। सवाल यह है, इसने आपको बोला है कि भाई कुत्ते की 2 छलांगों जो दूरी है खरगोश की 3 छलांग की दूरी के बराबर है। अब यहाँ कहीं चेक करेंगे इसको, कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 3 के बराबर है, इसका मतलब कुत्ते की जब 2 छलांग खरगोश की 3 के बराबर है,
तो कुत्ते की एक छलांग खरगोश की डेढ़ के बराबर है, जब दो तीन के बराबर हैं तो एक छलांग डेढ़ के बराबर हो गई। डेढ़ का मतलब क्या हुआ कि अगर कुत्ता एक खर अगर खरगोश एक छलांग में 1 मीटर चलेगा, ये कह सकते हैं हम कि खरगोश एक छलांग में 1 मीटर चलेगा तो कुत्ता चलेगा 1.5 मीटर, क्योंकि कुत्ते की जो एक छलांग बैठ रही है खरगोश की डेढ़ के बराबर बैठ रही है। तो यहाँ पर यदि हम इसको यूज कर जाएँ कि इसकी जो एक छलांग है, इसकी दो छलांग इसकी तीन के बराबर है, इसकी एक छलांग डेढ़ के बराबर हो जाएगी। जब एक छलांग इसकी डेढ़ के बराबर है तो इसको आप 1.5 से गुणा कर दो, इसको 1 से कर दो, इसको 1.5 से कर दें, इसको 1 से कर दें, तो 3 को 1.5 से गुणा करूँगा तो 4.5 आएगा, इसको 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो अनुपात बैठ रहा है 4.5 और 4, 4.5 और 4 का डबल करो, 4.5 पॉइंट में आ गया ना, 4.5 का डबल 9 हो गया और 4 का डबल क्या हो गया, 8 हो गया। तो सीधा हमारे पास में यहाँ पर रेशो मिल रहा है, और चाहे तो लिख लो आप 2 इकाई, या यूँ कहो कुत्ते की 2 छलांग, कुत्ते की 2 छलांग की दूरी बराबर खरगोश की 3 छलांग। कुत्ते की एक छलांग हो गई कितनी, खरगोश, तो एक निश्चित समय की, यदि हम निश्चित समय की दूरी निकालना चाहें तो 3 को गुणा करना पड़ेगा आपको 1.5 से, और ये 4 ही तुम्हारे पास में, कि अगर एक छलांग में अगर एक चलेगा तो एक छलांग में 1.5 चलेगा, तो इसको 1 से गुणा करेंगे, इसको 1.5 से गुणा करेंगे, तो ये 4.5 अनुपात 4 बनेगा। यदि इन दोनों को डबल कर दें हम तो डबल करने पर आपको रेशो मिल जाएगा 9 अनुपात कितना 8। जब 9 अनुपात 8 मिल जाएगा तो जो निश्चित समय की जो दूरी होती है ना, यही चाल होती है, इसी को चाल कहते हैं हम। अगर आपसे पूछे चाल किसे कहते हैं, तो एक निश्चित समय में तय की दूरी क्या कहलाती है, चाल। तो ये चाल हो गई हमारे पास सीधी, 4.5 अनुपात 4 कहो चाहे 9 अनुपात 8 को, एक ही बात है। ऐसे कर सकते हैं इसको, इसकी 2 छलांग इसकी 3 के बराबर, इसकी 1 छलांग इसकी 1.5 के बराबर, 1.5 को इससे गुणा करो, 1 से इससे गुणा करो, सीधा चाल। और यदि आपको डायरेक्ट करना है फटाफट, तो वही 3 3 9 4 2 8, हमेशा उत्तर बैठेगा ये। तो ये था सवाल कौन सा, 41वां। इसके बाद में आइए आप 42वें सवाल पर। 42वां सवाल हमने क्या कहा है उसको देखिए, बयालीस में कह रहा है कि 7,090 रुपये को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि उनके भागों में से क्रमशः 20, 25 और 45 रुपये निकाल लेने के बाद उनके धनों का अनुपात 3:5:6 हो जाता है। मतलब ये कहने का कि यदि यदि हम 7,090 रुपये को बांट रहे हैं और तीनों बांट रहे हैं एबीसी में, लेकिन उनके भागों में से कितना कितना निकाला जा रहा है, ए में से 20 निकाला जा रहा है, बी में से 25 निकाल रहे हैं हम, और सी में से क्या निकाल रहे हैं, 45 निकाल रहे हैं। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। 20, 25 और 45 निकाल लिया। अब ये सभी निकाल लिए हमने तो बराबर में क्या रह जाता है, देखो आप 25, 45 कितने हो गए, 70 और 20 90 हो गए, तो ये रह गया 7,000। ये इनके जब हिस्से प्रत्येक के निकाल लिए तो 7,000 बचा। अब इस 7,000 को बंटवा रहा है कैसे, 7,000 का अनुपात दे रखा है 3:5:6, इसके बाद ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 3:5 और 6, 5 और 3 8 14 इकाई हो गई, 14 इकाई बराबर कहेंगे हम 7,000, तो 1 बराबर कहेंगे हम 5 14 75 500 कहेंगे, 14 का मान दे रखा है 7,000, तो 1 का मान निकालिए 500। ये चाहता किसका मान है, इसमें
ये चाहता है बी का भाग क्या है। तो पहले तो बी का भाग यहाँ से निकालते हैं हम 7000 में से, तो ये हो जाएगा 5 के बराबर। पच्चीस सौ आ गया, लेकिन 2500 तो हमारा 7000 में से हिस्सा है, वो तो इसको बंटवा रहा था 7090 को। तो हमने बी का कितना हिस्सा निकाल रखा है, पहले 25 निकाल रखा है। तो 2500 में आप क्या जोड़ना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 7090 में से बी का भाग 2500 में क्या जोड़ेंगे हम, 25 जोड़ेंगे, और ये 25 25 आंसर। यदि आप यहाँ पर ए निकालते तो आपको जोड़ना पड़ता है इसमें 20, यदि आप निकालते यहाँ पर सी तो क्या जोड़ना पड़ता है इसमें 45। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और निकालने के बाद जो पैसा बचा था उसका इसने रेशो दे रखा था, इसलिए हमने 7000 को बांटा। जब 7000 बट गया हमारा, उसके बाद में जो जो निकाल रखे हैं उसको हम इसमें जोड़ देंगे, ये सीधा उत्तर। तो ये भी आपका मुंहजवानी सवाल है, और खूब आता है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो अनुपात के जो सवाल हैं वो लेंथी नहीं है, लंबे नहीं है सवाल, हल्के सवाल है और ईजी तो ही। ये था हमारा 42, 43 भी आपका एकदम आसान सवाल। फोर्टी थ्री 43 कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:5:6, 5:5:6 दे दिया। फिर ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 30 घटा दें, घटा दो, जब प्रत्येक संख्या में 30 घटा देते हैं तो क्या होता है, तो उसका अनुपात 3:4 रह जाता है। 3:4 क्या रहता है, 4, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो मतलब ये कहने का कि यदि आपने यहाँ पर कुछ घटाया, यहाँ भी कुछ घटाया, प्रत्येक में सेम संख्या घटाई, और देखो सेम अनुपात घट गया, तो ये तो ऑलरेडी जानते हैं हम कि जब समान संख्या घटाने पर समान अनुपात घट जाए तो डायरेक्ट अनुपातों के अंतर से सीधा उत्तर निकाल लो। अनुपात कितने घटे, दो घटे, तो यहाँ पर आप नोट डाल लो चाहें तो। क्योंकि समान राशि घटाने पर अनुपातों की इकाइयां भी समान रूप से घटी हैं, इसलिए अनुपातों के अंतर के आधार पर इन्हें हल कर सकते हैं। अर्थात 2 इकाई बराबर 30 हो जाएगा, 1 बराबर 15 हो जाएगा, और संख्या आ जाएंगी हमारे पास में 5 × 15 और 6 × 15, 1 75 आएगी, 1 90 आएगी, ये आपकी संख्या है। तो मतलब ये कहने का मुंहजुबानी सवाल था, 2 का मान 30, 1 का मान 15, 1 का मान 15, 5 का मान 75, 6 का मान 90, ये आंसर था। इसके बाद में आइए आप सवाल नंबर किस पर, 44 पर। चम्वालीस क्या कह रहा है, 44 कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबा
और जस्ता, 7:5 कितना है? 5। फिर ये कह रहा है जस्ते की मात्रा 15 किलो है, तो इसका मतलब है कि 5 का ही जानते हैं हम। जब 5 का ही मान दे रखा है 15 किलो, तो 5 का ही बराबर 15 किलो, तो 1 बराबर 3 किलो, और 7 का मान निकाल लो, 7 गुणा 3 का मतलब कितना? 21 किलोग्राम। ये तम आ गया। अगर जस्ता दे रखा है हमारे लिए 15 किलो, तो इसका मतलब 5:5 का मान जानते हैं हम। जब 5 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 3, तो 7 की वैल्यू 21। ये उत्तर है इसका। ये हमारा 44। इसके बाद में दिया हमने आपको 45। 45 में सवाल के अंदर ये कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों के योग का अनुपात 4:1 है, उसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो बताओ वो संख्या क्या है। दो अंकों की संख्या का सवाल कोई भी आ जाए आपके लिए, उसको हमेशा ऑप्शन से ही करना है हमें, ठीक है ना। डायरेक्ट इसको आगे हम एक चैप्टर आ रहा है हमारा, संख्याओं पर आधारित समस्याएं, ये एक दो चैप्टर बाद में आ रहा है, वहाँ पर इसको हम पूरी व्याख्या भी करेंगे इसकी, कि दो अंकों की संख्या कैसे खोली जाती है, 3 की कैसे खोलते हैं हम। फिलहाल आपको इसको ऑप्शन से करना है, और ऑप्शन क्या कहता है वो देखिए। मतलब सवाल तो ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों के योग का अनुपात, मतलब संख्या का और अंकों के योग का जो अनुपात है वो 4:1 है, और इकाई इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 3 ज़्यादा है, 3 अधिक है। बस इन दो चीज़ों को दिमाग में रखेंगे हम, और सीधा हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने 47, तो 47 के जो अंकों का योग करूंगा मैं, तो 7 और 4 11 बैठेगा। भाई 7 और 4 11 अंकों का योग हो गया, ये संख्या हो गई, ये अंकों का योग हो गया, लेकिन क्या ये 4:1 आ रहा है? भाई 11 से तो 4 बार नहीं कट रहा है, जब ये आ ही नहीं रहा है तो फेल हो गया ना। हमें तो सवाल की कंडीशन के हिसाब से संख्या को अंकों के योग से 4 गुना देखना है, तो ये फेल हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, 25। अब देखो 25 के अंकों का योग करो पहले, 25 के अंकों का योग क्या रहा है? 7 आ रहा है, 5 और 2 7, ये 7 से 4 बार नहीं कट रहा है, ये भी फेल हो गया। इससे 4 बार कटना चाहिए तभी 4:1 आएगा ये। यदि मैं तीसरा ऑप्शन लेता हूँ इसमें, 63, 63 के अंकों का योग करो, 63 के अंकों का योग 9 आ रहा है, 6 और 3 9। अब ये कट तो रहा है, 9 7 63, लेकिन 7:1 बन रहा है, जबकि बनना चाहिए हमको 4:1, तो ये यूँ फेल हो गया। और लास्ट तो फिर आंसर आना ही है इसका, 36। 36 के अंकों योग क्या है? इनका भी अंकों योग 9 ही है, और 9 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार कट रहा है, 4:1 आ गया। और ये आप देखिए, जब ये कंडीशन संतुष्ट हो गई इसकी, तो ये भी चेक करो, इसमें कह रहा है इकाई का अंक दहाई से 3 अधिक होना चाहिए, तो क्या इसका इकाई दहाई से 3 अधिक है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 6 है तो ये 3 है, इसका मतलब जो इकाई का अंक दहाई से 3 अधिक है, तो ये 36 आपकी दोनों कंडीशनों को संतुष्ट कर रहा है। तो इस सवाल के अनुसार इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 36 आएगा। तो ये आंसर दे सकते हैं हम, डी ऑप्शन। तो ये थे आपकी क्लास के क्वेश्चन, और इसके बाद में एक सवाल और लिखें आप अलग से। लिखिए सवाल, लिखिए एग्जाम्पल डाल लो इसको, लिखो 6,000 रुपये को 6,000 रुपये को 5 आदमी, 4 औरतों एवं 7 बच्चों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक औरत को एक बच्चे से 2 गुना मिले, तथा प्रत्येक
आदमी को एक औरत एवं एक बच्चे के बराबर मिले। तो बताओ, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत तथा प्रत्येक बच्चे को क्या मिलेगा? ये सवाल है। 6,000 रुपये को 5 आदमी, 4 औरत और 7 बच्चों में इस प्रकार से बांटते हैं हम कि प्रत्येक औरत के लिए एक बच्चे से दोगुना मिलना चाहिए और प्रत्येक आदमी को एक औरत और एक बच्चे के बराबर मिलना चाहिए। तो प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत, प्रत्येक बच्चे को क्या क्या मिलेगा? ये सवाल है आपका। इसका मतलब है पांच आदमी, 4 औरत, 7 बच्चे। 5 आदमी, 4 औरत और 7 बच्चे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बराबर दे रखा है मैंने आपको 6,000। तो समीकरण नंबर एक तो ये हो गई तुम्हारी। अगर आदमी को एम मिल रहा है, औरत को डब्लू मिल रहा है और बच्चे को बी मिल रहा है, तो आप सीधी समीकरण लिख सकते हैं कि 5 आदमी और 4 औरत 7 बच्चों का जो टोटल है वो 6,000 रुपये है। सवाल बोलता है कि एक औरत बराबर है 2 बच्चे। सवाल ये तो कह रहा है कि एक औरत को 2 बच्चों के बराबर मिले, और ये भी कह रहा है कि एक आदमी को जो मिले, एक आदमी के लिए एक औरत प्लस एक बच्चे के बराबर मिले। जब एक आदमी को एक औरत और एक बच्चे बराबर मिलना चाहिए, तो ये हम जानते हैं कि एक औरत की वैल्यू कितनी है। यहाँ से देखो आप, एक औरत बराबर 2 बच्चे हैं। जब एक आदमी बराबर हम निकालेंगे, तो एक औरत का मान रख दो यहाँ पर 2 बच्चे, और फिर एक बच्चा ये है ही, कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे। भाई एक डब्लू बराबर आ गया हमारा 2B। कह रखा है ना, एक औरत को 2 बच्चों के बराबर मिलना चाहिए और एक आदमी को एक औरत प्लस एक बच्चा। ध्यान से यही देखें, बस यही गड़बड़ होती है। एक औरत बराबर 2 बच्चे क्लियर है, एक आदमी बराबर कह रखा है एक औरत प्लस एक बच्चा। तो एक औरत का मान रख दो यहाँ पर, एक औरत का मान जानते हैं हम, एक औरत बराबर है 2B। जब एक औरत बराबर 2B है और 1B इसमें पहले से है, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 3B के बराबर। यानी एक आदमी की क्षमता है 3 बच्चों के बराबर लेने की, और एक और क्षमता 2 बच्चों बराबर लेने की है। तो आप जहाँ पर एम दिख रहा है वहाँ पर तो आप 3 भी रख दो, मतलब इसको ही बच्चा बना दो, इसको ही बच्चा बना दो, ये बच्चे हैं ही। जब सारे बच्चे बन जाएंगे तो बच्चे वैल्यू आ जाएगी ना, मतलब एक ही रूप में कन्वर्ट करने पर उत्तर आएगा हमारे पास। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1m = 3b है, तो एम की जगह पर 3b रखो। 1w = 2b है, तो w = 2 रखो, और 7 भी पहले से मौजूद हैं, और चेक करो कितना रहा है। 5 × 15 = 15b, 8 भी, 7 भी = 6,000। 15 × 8 = 23, और 7 = 30 भी हो गए। 30 बच्चों को मिल रहा है 6,000। 0 0 कट गया, 3 से काटो, 212 हो गया उत्तर बी का। पता लग गया कि एक बच्चे को 200 रुपये मिलेंगे। मतलब सारांश ये था कि भाई एक ही रूप में लाना है आपको सबको इनको। तो ये आपने W को ही B में बदल दिया और M को ही B में बदल दिया। यहाँ कंडीशन आपको दे रखी है, तो यहाँ पर आपके पास में जब B का मान 200 आ गया, तो हमें किसका मान चाहिए? W का भी चाहिए। अब तो ये क्लियर है कन्फर्म कि एक औरत बराबर 2 बच्चे हैं, तो एक औरत की जो वैल्यू आएगी वो 2 × 200 आएगी। इसका मतलब कितनी मिलेगी उसको? 400 मिलेगा। एक आदमी का निकालेंगे तो 3 बच्चे बराबर है, तो 3 × 200 कर दो, तो इसको 600 मिलेगा। तो ये इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ये था आपका अंतिम सवाल। एक बच्चे का प्राप्त हो गया, एक औरत का भी आ गया, एक आदमी का भी आ गया। इस तरीके के सवाल हम ऐसे करते हैं, मतलब एक ही इकाई में आपको बदलना होता है, ठीक है ना? अब आप आराम से कर सकते हैं, पूरा ग्रुप हमारा कंट्रोल में है। कोई भी डाउट हो उसको कल पूछ सकते हैं। ओके।